Good morning, students. I hope you all are doing well at your home. Yesterday we have started a new lesson, lesson number 9, living organisms and their surroundings. And we have studied about the habitat. Habitat के बारे में हमने पढ़ा था कि habitat क्या होता है, जो भी जहाँ रहता है वो area और उसके आसपास का area. Means the organism where lives, including its surroundings. कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे हमने. टू टाइप के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक कंप्राइजेस ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन बायोटिक कंप्राइजेस ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ हैबिटेट. एक जनरल कल बताया था डिफरेंट टाइप्स के जो हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट एंड एरियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. जो लैंड पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर. एंड एरियल हैबिटेट, एरियल बताया था जो स्काई का यूज करते हैं, मीन्स जो उड़ने वाले प्लांट्स. प्लांट्स तो नहीं होते, मोस्टली एनिमल्स ही होते हैं. तो एरियल एनिमल्स जो उड़ते हैं, लाइक बर्ड्स जो हो गई हमारी, तो दैट कम्स अंडर द एरियल हैबिटेट. सो लेट्स स्टडी दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स इन डिटेल टुडे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एज आई हैव सेड दैट दिस टाइप ऑफ हैबिटेट इज द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स दैट लिव एंड प्रोपेगेट ऑन लैंड. नाउ लिव एंड प्रोपेगेट ऑन लैंड मीन्स ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं और वहीं प्रोपेगेट करते हैं. प्रोपेगेट करना मीन्स होता है नंबर इंक्रीज करना, मीन्स वहीं ब्रीड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं उन रिप्रोडक्शन करते हैं और वहीं यंग वंस को, अपनी जो स्पीशीज है उसको बढ़ाते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो ये प्रोपेगेट का मतलब होता है. तो जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं और प्रोपेगेट करते हैं, दे कम अंडर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नाउ यस्टरडे आई हैव टोल्ड कि लैंड जो है वो बहुत वाइड वेराइटी की है, क्योंकि लैंड में माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, फॉरेस्ट भी प्रेजेंट हैं और बहुत कोल्ड रीजन्स भी प्रेजेंट हैं, हिली एरियाज भी प्रेजेंट हैं. तो अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर अलग अलग टाइप के हैबिटेट आते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट सबको पता है क्या होता है. डेजर्ट दैट कंप्राइजेज ऑफ सैंड, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, सैंड होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे. दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सन की जो हीट है वो जो डेजर्ट में सैंड प्रेजेंट है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है. तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड इन फैक्ट द नाइट्स आर कोल्डर. और जो वहाँ की रातें होती हैं डेजर्ट में, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि सैंड जो है रात के टाइम में बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है. एंड रेनफॉल कैसी होती है डेजर्ट में, बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत ही ज़्यादा कम होती है. सो डेजर्ट हैबिटेट्स मीन्स एब्सेंस ऑफ रेन, रेन नहीं होती या बहुत कम रेन होती है, बिल्कुल ना के बराबर. सेकेंड है एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, जो है एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग डे एंड मे बिकम कोल्ड एट नाइट. दिन के टाइम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और रात के टाइम का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाता है. एग्जाम्पल कौन से एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, कैमल एंड कैक्टस. नाउ मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इस चैप्टर में हम अडेप्टेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे. अडेप्टेशंस मीन्स ये जो कैमल और कैक्टस हैं ये डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं. तो क्यों डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं, ऐसा उनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी है, कुछ उनकी बॉडी में होगा जिस वजह से वो इतने एक्सट्रीम हार्श एनवायरमेंट को, इतनी हार्श कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं. तो इन सबके अडेप्टेशंस कि ये क्यों पर्टिकुलर, जैसे कैमल और कैक्टस है वो क्यों डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं, या जो एक्वेटिक हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्यों वाटर में, उनके अंदर ऐसा क्या है जो वो वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं. सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. अभी हम हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेटर ऑन हम अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू ग्रासलैंड हैबिटेट्स. ग्रासलैंड हैबिटेट्स किस टाइप के हैबिटेट हैं,
जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है. मॉडरेट रेनफॉल मीन्स ना बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल है, ना बहुत ज़्यादा ही बहुत हैवी रेनफॉल है. पार्टली ड्राई एरियाज ऑफ ग्रास विद फ्यू ट्रीज, ग्रास जो है ड्राई होती है और फ्यू ट्रीज मतलब बहुत कम ट्रीज होते हैं, ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं या ग्रास लैंड हैबिटेट में. तो जो एनिमल्स यहाँ सर्वाइव करते हैं वो है जिराफ, ज़ेब्रा और ग्रासेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं ग्रास लैंड. ऑब्वियसली ग्रास लैंड हैबिटेट इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. नेक्स्ट टाइप का हैबिटेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट वो वाले एरियाज हैं जो नियर टू द इक्वेटर होते हैं. SST में आपने पढ़ा था ना इक्वेटर क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है इक्वेटर, ये जो बीच में होता है ये इक्वेटर. तो एरियाज जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज होते हैं ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट के अंदर आते हैं. अब यहाँ क्या कंडीशंस है, ये रिसीव्स लॉट्स ऑफ रेन्स. इक्वेटर के पास के जो एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेन रिसीव करते हैं. क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. अब आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है, जैसे आजकल रेनी सीजन चल रहा है, तो टेम्परेचर जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है. ह्यूमिडिटी एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. आप देखते हैं हमारी बॉडी स्टिकी स्टिकी लगने लग जाती है. तो इसलिए यहाँ का, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है. एंड दिस क्लाइमेट इज सुइटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टू सर्वाइव. यहाँ पर इस टाइप के हैबिटेट में बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है या यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, वो बहुत सारे एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है. बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. एग्जाम्पल हो गए स्नेक्स, मॉन्कीज, ट्रीज, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. पर वेराइटी ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो इस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं. नाउ लास्ट टाइप का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है टूंड्रा हैबिटेट्स. अब कहीं आपका टूंड्रा हैबिटेट्स कौन सा हैबिटेट हो गए, नियर टू दी पोल्स, जहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं. ये वाले पोलर रीजन्स कौन से होते हैं, नियर टू दी ये पोल्स होते हैं हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो पोलर रीजन्स के पास जो हमारा हैबिटेट, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, दीज कम अंडर टूंड्रा हैबिटेट. अब क्योंकि पोलर रीजन्स है तो क्या होगा, बहुत वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा कोल्ड विंडी होता है, बहुत ज़्यादा स्नो की वजह से, क्योंकि बर्फ़ वहाँ गिरती रहती है हमेशा. तो वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो रहता है, माइनस में रहता है, बहुत ठंड कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है. तो ऐसे उसमें हैबिटेट में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, रेनडियर्स हैं जो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. अब ऑब्वियसली हम कैमल को अगर यहाँ टुंड्रा हैबिटेट में छोड़ दें तो कैमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या पोलर बियर को हम डेजर्ट हैबिटेट में ले आए तो पोलर बियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्टेड है वहीं कोल्ड रीजन्स में रहने के लिए, स्नो वाले रीजन्स में रहने के लिए अडेप्टेड है. तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो वो अडेप्टेशंस ही पढ़ेंगे कि इनकी पोलर बियर्स और पेंगुइन्स में ऐसा क्या है कि वो कोल्ड एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, या कैमल में ऐसा क्या है, कैमल की बॉडी में ऐसे क्या अडेप्टेशंस हैं जिससे वो डेजर्ट एरियाज में रह सकते हैं. तो ये अभी हमने सारा पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में. नाउ कमिंग टू द एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट कौन सा हैबिटेट है, इट इज द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड प्रोपेगेट इन वॉटर. जो प्लांट्स और एनिमल्स वॉटर में रहते हैं, वॉटर में सर्वाइव करते हैं, दोज कम्स अंडर द एक्वेटिक हैबिटेट्स. अब वॉटर के अंदर मीन्स वो रिवर भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकती है, लेक्स भी हो सकती हैं, स्ट्रीम्स हो सकती हैं, ओशंस हो सकते हैं, सीज हो सकती हैं. तो इतने छोटे से पॉन्ड से लेके एक ओशन तक भी सब एक्वेटिक हैबिटेट में आता है. Now it is further divided into two types of habitats, fresh water habitat and marine habitat. तो जो छोटे छोटे water bodies हैं like rivers हो गए, lakes हो गए, ponds हो गए, ये सब आपके fresh water habitat में आते हैं. तो rivers, lakes, ponds etc. comprises of fresh water habitat. Fresh water habitat के अंदर आते हैं. Example हो गए ducks,
फ्रॉग्स, लोटस एक्सेट्रा। अब आपने देखा होगा डक्स कहाँ रहती हैं, पॉन्ड में रहती हैं, पानी में रहती हैं। फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं, मोस्टली वाटर में सर्वाइव करते हैं। लोटस वाटर में ब्लूम करता है, तो इसलिए ये सारे जो है फ्रेश वाटर हैबिटेट में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैरीन हैबिटेट। मैरीन हैबिटेट, जो मैरीन हैबिटेट में जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं लाइक ओशियंस एंड सीज, वो मैरीन हैबिटेट में आती हैं। सी कंप्राइजेस ओशियन सीज हैविंग सॉल्टी वाटर। अब आपने देखा होगा जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। तो मैरीन हैबिटेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द मैरीन हैबिटेट। एग्जाम्पल हो गए ब्लू व्हेल्स, डॉल्फिन, स्टारफिश एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जो डॉल्फिन्स है वो कहाँ है, ओशियंस में मिलती हैं। स्टारफिश हो गया, वेल हो गया, ये सब कहाँ मिलती हैं, ओशियंस में, सीज में मिलती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वेटिक हैबिटेट। नाउ कमिंग टू द एरियल हैबिटेट। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ हैबिटेट, दैट इज द एरियल हैबिटेट। नाउ द ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लाई इन द एयर, जो उड़ते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स एरियल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एंड द हैबिटेट इन विच दे लिव इन इज कॉल्ड द एरियल हैबिटेट। सी ऑर्गेनिजम्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर, ज्यादातर इनका जो टाइम है वो एयर में स्पेंड होता है उड़ते हुए, आर कॉल्ड एरियल ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट ऑफ सच एनिमल्स आर कॉल्ड एरियल हैबिटेट। एग्जाम्पल बर्ड्स हो गई, बैट्स हो गई, ये सब आपके एरियल हैबिटेट में आ गए, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स फ्लाई करते हैं। नाउ हियर अ टर्म कम्स आर्बोरियल। आर्बोरियल कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, आर्बोरियल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, मीन्स अपना नेस्ट, जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स भी ट्रीज में रहती हैं। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरियल एंड आर्बोरियल, तो मोस्टली दोनों जो टर्म है या दोनों हैबिटेट एक तरीके से सेम ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है। अब जैसे मंकीज हैं, मंकीज अपना मोस्टली टाइम उड़ते नहीं है, तो मंकी एरियल ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आते, बट मंकीज ट्रीज पे रहते हैं इसलिए वो आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। अब बर्ड्स हैं वो दोनों में आ जाती हैं, क्योंकि वो उड़ती भी हैं और उनका जो नेस्ट है वो ट्रीज पे होता है, तो एरियल हैबिटेट में भी आ जाएंगे और वो आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म, एरियल ऑर्गेनिज्म भी कहलाएंगे और आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म भी कहलाएंगी। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो जो अपना ज्यादातर टाइम, जैसे बैट्स हैं, बैट्स भी कहाँ रहते हैं, आपने देखा पेड़ से चिपके हुए रहते हैं ना, चमगादड़ जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स उड़ते हैं अपना ज्यादातर टाइम स्काई में यूटिलाइज करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो एरियल हैबिटेट के अंदर आते हैं, एरियल ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका हैबिटेट एरियल हैबिटेट है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के नेस्ट या जो ऑर्गेनिजम्स ट्रीज पे रहते हैं वो आपके आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड विद द टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हमने तीन टाइप के हैबिटेट पढ़े, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल, जिसके हमने सब पार्ट्स भी पढ़े। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द अडैप्टेशंस, कैसे ऑर्गेनिज्म अडैप्ट करता है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।